ये ठंडी ठंडी सुकून भरी हवा। काश जोगी भी मेरे साथ होता, पर इस आलस की बोरी को तो सोने के अलावा कुछ नहीं आता। अगर वर्ल्ड में सोने का कंपटीशन होता ना, तो मेरा पति पक्का विनर होता। चल कोई नहीं, सो ले काके, क्योंकि आज का दिन ना बहुत स्पेशल होने वाला है। एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है तुझे। पतिदेव को उठाने का टाइम हो गया। गुड मॉर्निंग जोगी। जोगी उठना। तो मैं बताती हूँ। हाय रब्बा, 7 बज गए। एक्साइटमेंट में ना पता ही नहीं चला कब इतनी लेट हो गई। जोगी, जोगी खड़ा हो। जोगी 7 बज गए। जोगी खड़ा हो। जोगी 7 बज गए। यार बड़ा आया। मैं ना दुनिया में सबसे ज्यादा माही से प्यार करता हूँ, उसकी इबादत करता हूँ। झूठा कहीं का। सबसे ज्यादा तो अपनी नींद से प्यार करता है। इतना तू मेरे साथ खुश नहीं रहता जितना तू सो के खुश रहता है। मेरी असली सौतनत तेरी नींद ही है। हाय रब्बा, इस पे तो कोई असर ही नहीं हो रहा है। एक बार प्यार से उठाने की कोशिश करती हूँ। पति देव जी उठ जाइए। वो सुना है ना, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। और आज तो ऐसी बड़ी खुशियां आने वाली है इस घर में। तो अगर उसको नहीं खोना चाहता है ना, तो फटाफट उठ जाओ और मैं नीचे जा रही हूँ, वेट करूँ। अब ये मत बोलना कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। 6 मिनट में आ रहा हूँ यार। बेबी आप? अब माही, मुझे तुझसे बात करनी है। हाँ जी बोलो। वो कल जो मैं कह रही थी ना, वो सब गलत है। वो अपशगुनी, नैशी, मैं तो इन सब बातों में ना यकीन ही नहीं करती पुत्र। पता नहीं मेरे मुंह से ये बातें निकली कैसे। मुझे लगता है सास का रिश्ता ही ऐसा होता है, बंदा चाहे ना चाहे ये गलत बातें ना मुंह से निकली जाती हैं। तो अच्छा, तो आपसे गलती हुई है तो मुझसे भी गलती करवा रहे हो। एक माँ अपने बच्चे से अगर माफी मांगेगी वो तो गलत ही होता है ना। रात गई बात गई बेबी। चंगा चले। अब चले चले क्यों? बोलो, जाओ जाके दूध दे के आओ। आप ना बस चिल करो, मैं और जोगी है ना, हम जाके दूध देंगे। वो बस नीचे उतर ही रहा है। अब तो बस खुशियां मनाने का दिन है। आज का दिन ना बहुत खास होने वाला है। मतलब कि अब तक ना जोगी का जादू सिर्फ दुनिया ने देखा है, लेकिन आज मैं आपको भी दिखाऊंगी। लेकिन एक शर्त है। क्या? आपको अपना वर्ल्ड फेमस पनीर पसंदा बनाना होगा, जो जोगी को बहुत पसंद है। ठीक है, बना दूंगी। मैं अभी गई और जोगी को लेके आई। हाय रब्बा, अभी तक सो रहा है। जोगी, जोगी तूने कहा था मैं 5 मिनट में उठा। उठ। अब 5 नहीं 6। 6 के 16 मिनट हो चुके हैं जोगी, उठ। ओ यार, सो रहने दे। कुछ
कितना ठीक है ये लड़का। जोगी जोगी उठ, बेबी नीचे तैयार हो गई, दूध की डिलीवरी करने भी जाना है ना, उठ जा। ओ यार सारी तेरी गलती है, ओए मैं रात को तेरा इंतजार करता रहा। तू बोल के गई कि मैं बेबे को मरहम करने जा रही हूँ और मुझे चुन्ना लगा दिया। मैं तेरा इंतजार करते करते सो गया और तू भी आई और मुझे जगाए बिना ही सो गई। ओ मैं सुबह 4 बजे उठ के दूध निकाल के LSD को चारा खिला के 6 बजे फ्री हुआ और सोया। ओ मुझे सो लेने दे यार, नींद आई है। अच्छा सॉरी बाबा। चुकी चुकी आई लव यू, उठ जाना प्लीज। वो तो आई लव यू टू भी है। अल्लाह सो लेने दे यार। कोई नहीं काकी, आज सो जा तू, क्योंकि आज तेरा दिन है, क्योंकि आज तो बड़ी चीजें करने का दिन है, जिंदगी प्लान करने का दिन है। ऐसी छोटी मोटी चीजें तो इग्नोर कर सकते हो। अच्छा जोगी सुन, सुन मेरी बात सुन। अब आज के दिन तुझे मैंने बख्शा, लेकिन बदले में ना मुझे एक प्रॉमिस चाहिए। प्रॉमिस? सुन तो ले, मैं तुझे जो कहूंगी ना तुझे वो करना होगा, बोल मंजूर? मंजूर। ओके। आपको कुछ दिखाता हूँ। क्या दिखा? ये देखो, देख रहे हो हर मिनट कितने सारे लाइक्स बढ़ रहे हैं। फटाफट फटाफट जोगी जीजू की फैन फॉलोइंग देख रहे हो, बढ़ते जा रही बढ़ते जा रही। देख रहे हो क्या लाइक्स बढ़ रहे हैं, ऐसे ही चलता रहा ना तो जोगी जीजू एक दिन देखना निक्का पाजी पाछा के लेवल के स्टार बन जाएंगे। और इसका मतलब जानते हो क्या? हाँ, क्या? इसका मतलब जोगी जीजू बहुत अमीर होने वाले, सबसे ज्यादा अमीर, सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा मशहूर। वो मेरे को लग रहा है ये लाइक ना लाखों की जगह करोड़ों में जाने वाले हैं। मेरी माई ना तबेले की जगह कोठी में शिफ्ट होगी, वो कोठी भी क्यों महल में शिफ्ट होगी, और मोटरसाइकिल की जगह वो क्या कहते हैं लिम्बो शिम्बो चलाएगी, उसमें घूमने जाएगी। पता था बंदा ना मेहनती है, रब एक ना एक दिन ना इसको फल जरूर देगा। हाय वे जोगिया, कमाल कर दिया तूने तो। और बढ़ गए वो, कितने लाइक बढ़ रहे हैं जोगिया, नजर ना लगे। शालू दी, चुन्नी भी जब रंगाई के लिए दो इतनी जल्दी रंग नहीं बदलती जितनी जल्दी हमारी मम्मी बदलती। अगर इनको नाप के रखना है ना तो अभी पकड़ लो, वरना अगर हाथ से निकल गई तो जोगी माही के गुणगान करते हुए दिखाई देंगी। इसे कहते हैं एहसान फरामोश होना, मतलब खा हमारा रहे हो और दुआएं उनके लिए मांग रहे हो, रह हमारी छत के नीचे रहे हो और उनकी खोटियों के सपने देख रहे हो। पता है मम्मी, जब कोई भी मुश्किल होती है ना तो आगे मैं बढ़ चढ़ के आपके लिए काम करती हूँ। और आप क्या कह रहे हो कि माही का पति मेहनती है, वाओ मम्मी, कभी जिंदगी में हमारे लिए भी कुछ अच्छा मांग लो, हमें तो सिर्फ गालियां ही मिलती हैं। मम्मी गालियां ना उस माही को मिलनी चाहिए, उसकी वजह से ना मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। और क्या कहा आपने, अमीर? भगवान करे वो ना पूरी जिंदगी गरीब रहे। और ऐसे ना अपने दोनों हाथ फैला के ना मुझसे भीख मांगे। अरे बस करो यार दी, छोटी बहन है आपकी वो, उसने कभी आपके बारे में कुछ गलत नहीं कहा, कुछ गलत नहीं सोचा। आप इतना बुरा इतना गंदा क्यों कह रहे हो? अगर वो कंपटीशन में आई तो सिर्फ हमारी फैमिली की हेल्प करने के लिए और ईमानदारी से जीती।
आप क्यों इतना बुरा बोल रहे हो उसको? और मम्मी ने क्या गलत कह दिया? और अगर जोगी जीजू को भी लाइक्स मिल रहे हैं तो सिर्फ उनके टैलेंट की वजह से मिल रहे हैं। और जिस हिसाब से ये वीडियो वायरल हो रहा है ना, देखना गाड़ी बंगला पैसा सब होगा उनके पास, और वो ये चीज डिजर्व करते हैं। क्या बकवास कर रहा है मम्मी? ये देखो। जिस हिसाब से ये वीडियो के लाइक्स बढ़ रहे हैं ना, देखना बहुत जल्दी ये ट्रेंड करना स्टार्ट भी कर देगा। वेलकम है जी जोगिया द शेफ की किचन में। और सवारियां थक गई होंगी, जल्दी जल्दी आ दो। हाँ खा लो। वैसे बेबे आप तो कहते थे कि जोगी काम नहीं करता, अब खाना बनाना भी तो काम ही है ना? ओ बिल्कुल जी, सबसे इम्पोर्टेंट काम है। और नहीं तो क्या? बिजी। ओ भाई देखो, पहले होगी पेट पूजा, तब होगा काम दूजा। छको। बिल्कुल सही बात भाई। ला 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 दे। वैसे ना तू एक जादूगर है, जो भी काम करता है ना उसे सिर्फ अच्छे से नहीं करता है, उसमें जादू कर देता है। चाहे फिर वो एलएसडी का ध्यान रखना हो, रिश्ते निभाना हो, या फिर खाना ही। वैसे एक और जादू है तुझमें जिसे मैं वेस्ट नहीं होने दूंगी, इसीलिए मेरे पास एक प्लान है। ऐसा प्लान जिससे तू मशहूर भी हो जाएगा और अमीर भी। हजारों की बात नहीं कर रही हूं मैं, लाखों की बात कर रही हूं मैं, लाखों की। रूपा, मैंने तो सोचा था कि जो किसी शादी माई के साथ में हो जाएगी तो जो कि समझदार हो जाएगा, पर यहां तो उल्टा ही हो गया। और मई की शादी जोगी के साथ होने के बाद में या तो खुद ही बचकाना होगी। ये कह क्या रही है तू, समझ नहीं आया? अरे सच्ची, अब बस मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे ना हम, हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा, तेरे पास दौलत होगी, शोहरत होगी और सारी प्रॉब्लम्स खत्म। ओ देवी जी, आप ना अपना प्लान पेश करने में थोड़े लेट हो गए हो। और जोगिया तो पहले ही बड़ा फेमस है और अमीरी भी बतेरी है हमारे पास। जितनी है उतनी काफी नहीं है, अब पैसे आएंगे तो प्रॉब्लम्स खत्म होंगे और प्रॉब्लम्स खत्म होंगी तो खुशियां ही खुशियां। नहीं पर खुशियां ही खुशियां तो हमारे पास पहले ही हैं, नहीं बेबे? और नहीं तो क्या? अब और पैसे आएंगे तो और खुशियां आएंगी जोगी। मुझे लगता है माही ने ना अपने बैंक खाते देख लिए और उसे लग रहा है कि जितना हमारे पास है ना उतना काफी नहीं है। ओए तुझे हो क्या गया है? पैसा पैसा क्यों करी जा रही है? ओ, हमारे पास तो खुशियां हैं ही हैं, कितने खुश हैं हम।
मेरा मतलब वो नहीं है जोगी। तेरा मतलब मैं समझ रहा हूँ, पर तू मेरा मतलब नहीं समझ रही है। ओ यार, मानता हूँ अंबर सर में हमसे ज्यादा अमीर पैसों में बहुत फैमिलियां होंगी, पर खुशियों में हमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ओ जोगी, तू एक बारी बैठ तो सही, मेरी बात तो सुन। रुक, ये देख। देखा बेबी, कितना प्यार मिल रहा है जोगी को, हर मिनट में इतने लाइक्स, इतने व्यूज बढ़ रहे हैं। और ये ना सिर्फ माता रानी की वजह से हुआ है। माता रानी, ये तो सिर्फ शुरुआत है। एक बार ये जोगी का टैलेंट अगर दुनिया ने देख लिया ना, तो सबको पता चल जाएगा कि वो एक हीरा है, उसे सिर्फ तराशने की देर है। सिर्फ यही तरीका है जिससे हमारी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, और यही तरीके जिससे हम अमीर हो जाएंगे। जोगी, मैंने तुझे कहा था ना, तेरी आवाज में ना एक सुकून है, अब वो पूरी दुनिया बोलेगी, पूरी दुनिया तेरा गाना सुनेगी। तू ना जाके फटाफट तैयार हो जा, हम ना एक नया वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसको अपलोड करते हैं। तू फटाफट जा, मैं तब तक सारी सेटिंग करके रखती हूँ। सबर साजल में रहे पाथर। कितने व्यूज हैं पीपी? अब तक तो 6 लाख प्लस व्यूज हो गए हैं। वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है पीपी। अगर ऐसे और वीडियोस हुए तो, और जोगी स्टार बन गया तो? और छोड़ो यार, ऐसा कुछ नहीं होता है। और आजकल तो हाल ये है कि कोई भिखारी अगर भीख मांगते हो अपना वीडियो अपलोड कर देना, तो वो भी वायरल हो जाता है। ये बस 2-3 दिन की हवा है, कोई नया वीडियो आ जाना है और लोग जोगी को भूल जाएंगे, फिर कोई जोगी जोगी नहीं करेगा। ओके। I'm sorry to say PP, but जिस स्पीड से वीडियो वायरल हो रहा है ना, ऐसा लगता नहीं है। PP, कमेंट्स तो पढ़ो, लोग ऑलरेडी जोगी को काम ऑफर कर रहे हैं। हैशटैग स्टार, हैशटैग अगला मीका, हैशटैग पंजाब दिशान। PP, किसने तो ये भी लिखा है कि हमारी छोटी सी रिकॉर्डिंग कंपनी है, कॉन्टैक्ट करो। ओ, आगे सुनो, देखो नया ट्रेंड चलने लगा है, लोग नए वीडियो की डिमांड कर रहे हैं। पीपी, पप्पू जी, आपकी तो इतनी पहचान है, आप किसी को भी बोल के ये वीडियो डिलीट करा दो। हेलो, आपसे किसी ने सलाह मांगी जो आप फ्री में बांट रहे हैं? जब बड़े लोग बात कर रहे हो तो छोटे लोगों को बीच में नहीं घुसना चाहिए। और भूलो मत,
ये तुम्हारी गलती की वजह से हो रहा है सब कुछ। अगर तुम लोग सही बंदे पे गोली चलाते ना तो ये नौबत ही नहीं आती। आउट। मीटिंग हटवा दो। रिलैक्स पीपी, कुछ सोचते हैं। ये शालू भले ही डफर हो लेकिन उसका आइडिया डफर नहीं है। कैसे भी करके अगर हम ये वीडियो हटवा दें तो? नहीं, ये वीडियो अब वायरल हो गई है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे शेयर भी हो गई है। तो कहां कहां से हटवाओगे, किस किस प्लेटफॉर्म से हटवाओगे? मुझे नहीं लगता ये हो पाएगा। इतने भलाई के काम करता हूं मैं, पता नहीं माता रानी को मुझसे क्या दुश्मनी है यार, झटके पे झटके देती रहती है। बैठे बिठाई एक निकम्मे नालायक इंसान को वायरल करवा दिया, इतनी तारीफें दिलवा दी यार। चौकी, पर क्या जोगी जोगी लगा रखा है? क्या हुआ है जोगी? तुझे याद है उस रात को जब तूने मुझे गाना गाने के लिए कहा था तो मैंने तुझे क्या कहा था, याद है कि भूल गई है? याद है। अच्छा तो तुझे याद है कि मेरी कमजोरी क्या है? तुझे अच्छे से याद है कि मैं अपनी मर्जी से कहीं भी कैसे भी गाना नहीं गा सकता हूँ, और मेरी आवाज और मेरा गाना मेरे कंट्रोल में नहीं है यार। जानती हूँ जोगी, इसीलिए तो मैंने माता रानी के सामने सारी सेटिंग की थी ताकि उनकी बरकत तुझ पे बनी रहे। तभी तो मैंने बेबे और पीछे के सामने तुझे गाना गाने के लिए कहा। तो सबसे ज्यादा इनसे ही प्यार करता है ना, तो इनके सामने तो इमोशंस निकलेंगे ना। बल्ले तेरे, और ये सेटिंग करके गाना कैसे गाते हैं? और इमोशन है कि कोई फलूदा है? कोई भी काम पैसे के लिए किया जाता है तो इमोशन नहीं निकलते हैं मेरे अंदर से। अब चल मान लिया कि मेरे इमोशन ना मेरी फैमिली के लिए निकलते हैं, पर तेरी बातें सुन के ये लग रहा है कि तेरे इमोशन ना सिर्फ पैसे के लिए निकल रहे हैं। चुकी तू गलत समझ रहा है, प्लीज मेरी बात सुन, शांत हो जा। पहले ना तू मुझे इस बात का जवाब दे कि तेरे दिमाग में इतना पैसा पैसे कैसे घुस गया है? चुकी मैं जो कहना चाहती हूँ, तुझे भी ना दूसरों की तरह कोई अमीर लड़का चाहिए था ब्याह करने के लिए। नहीं, मुझे लगा था कि मेरी माँ ही अलग है, सारी दुनिया से अलग है, पर आज जिस तरह की तू बातें कर रही है ना उससे बस ये लग रहा है कि तुझ में और तेरी मम्मी और तेरे वो जीजा जी में कोई फर्क नहीं है। उन लोगों के लिए भी किसी भी चीज से बढ़कर होता है पैसा, और तेरे लिए भी वही है शायद।